राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस के कद्दावर युवा नेता विवेक धाकड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुवार को मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने आत्महत्या की है। पूर्व विधायक के निधन की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैलते हुए शोक की लहर छा गई। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा के सुभाष नगर क्षेत्र में रहने वाले पूर्व MLA विवेक धाकड़ अपने आवास पर अचेत अवस्था में मिले थे, जिसके बाद तुरंत उन्हें जिला चिकित्सालय में लाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके हाथ की नस कटी हुई थी, प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। ये सूचना मिलने के बाद सुभाष नगर थाना पुलिस जिला चिकित्सालय पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया। कांग्रेस के युवा नेता विवेक धाकड़ भीलवाड़ा की मांडलगढ़ विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें जीत उपचुनाव में हासिल हुई। 2018 का उपचुनाव उन्होंने तब जीता जब प्रदेश में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। यह उपचुनाव कीर्ति बाईसा के निधन के कारण हुआ था। धाकड़ मांडलगढ़ से 9 माह तक विधायक रहे। 3 मूल चुनाव में उनको हार मिली। विवेक धाकड़ ने मांडलगढ़ विधानसभा सीट से 2013, 2018 और 2023 में विभागीय आजमाया था, मगर तीनों बार उनको कामयाबी नहीं मिली।